गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था वर्कशीट फ्रॉम चैप्टर 5 पैटर्न। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, वी शेप कम्स नेक्स्ट फॉर ईच पैटर्न, सर्कल इट। हमें यहाँ पे पैटर्न देखना है, इस पैटर्न के बाद बताना है कि अगला पैटर्न क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। और जो पैटर्न यहाँ आएगा हमें उसको यहाँ पर क्या करना है, सर्कल कर देना है। तो देखिए इस तरह से पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब स्लीपिंग लाइन दी गई है, इसमें एरो इस साइड बना है। उसके बाद फिर ये स्लैंटिंग लाइन है, एरो इस तरह है। फिर ये स्टैंडिंग लाइन है, एरो ऊपर की तरफ है, फिर इस तरफ है। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा, नेक्स्ट पैटर्न हमारा फिर एरो देखिए ये ऐसे घूमता जा रहा है इधर से। फिर हमने पहले इसको देखिए, हम पेंसिल को देख रहे हैं, पहले इस तरह है, फिर थोड़ा सा ऐसा हुआ, फिर स्ट्रेट हुआ, फिर ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या बन जाएगा, ये और सर्कल होके इस तरह से, मतलब यहाँ एरो का मार्क इस साइड होगा। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, ये। तो हमने इसको क्या कर दिया, सर्कल। हमें सर्कल करने के लिए कहा गया है तो सर्कल कर दिए है। बी में क्या करना है, देखिए ट्रायंगल बना है, फिर रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल। तो अगला क्या बनेगा यहाँ पर, एक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। तो अगला क्या बनेगा, रेक्टेंगल, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल बनेगा भी तो कौन सा बनेगा बेटा, यहाँ देखिए इस तरह से है, यहाँ जो इसमें ये वाली लाइन है स्टैंडिंग लाइन, ये बड़ी है, यहाँ फिर स्लीपिंग लाइन है, फिर ये स्टैंडिंग लाइन वाला यहाँ बनेगा, क्लियर। स्टैंडिंग लाइन वाला यहाँ पर रेक्टेंगल बनेगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए रेक्टेंगल है, इसमें एक सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल दिया है। फिर यहाँ देखिए रेक्टेंगल यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में है, यहाँ रेक्टेंगल स्लीपिंग पोजीशन में है, ठीक है। फिर यहाँ रेक्टेंगल 2 स्टैंडिंग पोजीशन में है, फिर यहाँ पर 2 स्लीपिंग पोजीशन में है। तो अब क्या किस तरह का पैटर्न बनेगा, यहाँ देखिए ये सर्कल इस तरह से, यहाँ पे 1, 2। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, यहाँ स्लीपिंग के बाद स्टैंडिंग रेक्टेंगल बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो अभी यहाँ पे कितने बनेंगे, 3। तो इन दोनों में से कौन सा बनेगा, ये वाला स्टैंडिंग पोजीशन वाला। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए हमें सर्कल दिया है, सर्कल में इसमें डिफरेंस इस तरह से सर्कल को अलग अलग कलर किया गया है। यहाँ पे देखिए 3/4 पार्ट को कलर किया गया है, मतलब एक पार्ट छोड़ दिया गया है, इसमें फिर हाफ कलर किया गया है, फिर इसमें से इसको सिर्फ 1/4 को कलर किया गया है, फिर ये पूरा सर्कल ब्लैंक रख दिए है। फिर किस तरह से सर्कल यहाँ पे बन रहा है, फिर यहाँ पे 1/4 है, 1/4 के बाद यहाँ देखिए रिवर्स में जा रहा है, इसके बाद फिर रिवर्स जा रहा है, तो 1/4 के बाद क्या आ जाएगा, ये हाफ। तो हम इस हाफ वाले को सर्कल कर देंगे। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पैटर्न, यहाँ देखिए इस तरह से फिगर बना है, यहाँ पे वी शेप इस तरह से है, फिर ये ऐसा है, फिर ये इस तरह से है। तो देखिए ये जो पॉइंट इधर नीचे है, फिर इस तरफ है लेफ्ट, फिर यहाँ ऊपर की तरफ है, इसके बाद फिर यहाँ राइट की तरफ है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा, यस ये नीचे की तरफ वाला बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए इसको पॉइंट कहाँ है, ये राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है, तो नेक्स्ट पैटर्न बनेगा ये राइट वाला। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरह से आपको ये अपना ये पैटर्न कंप्लीट करना है। ओके क्लास, थैंक यू।